ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। ये बाबा महेंद्रनाथ का धार्मिक स्थल है और ये बहुत ही काफ़ी भीड़ लगी हुई है। ये लास्ट सोमवारी है, ये लास्ट सोमवारी है सावन का। इसमें और भी फोर्स भी लगाए हैं सुरक्षा के लिए, जो कि काफ़ी अंदर जाकर स्नान न कर सके। ये जल चढ़ाने का प्रवेश द्वार है और यहाँ से दो गेट बना हुआ है। आप देख सकते हैं एक तरफ है पुरुष प्रवेश द्वार और दूसरी तरफ महिला प्रवेश द्वार, यानी प्रवेश द्वार महिला और उस तरफ पुरुष। तो दो तरह से गेट बना हुआ है और इसी के माध्यम से लोग जाएंगे और पूजा करेंगे। पुलिस विभाग सिक्योरिटी गार्ड यहाँ हमेशा तत्पर रहते हैं कि कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को। और देख सकते हैं ये है महिला घाट, जो कि महिलाओं लोग नहाते घर में और एक तरफ जेंट्स के लिए बनाया गया है। और देख सकते हैं ये जगह और ये घाट है। देखिए इस घाट पर ये घाट है और देख सकते हैं कि मंदिर को आगे से बैरिकेडिंग किया गया है, चूंकि लाइन बनाया गया है पूजा करने के लिए कि यात्रियों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो किया गया है। और यहाँ पर जिला नियंत्रण कक्ष सेवा हेल्पलाइन सेवा लगाया गया है और यहाँ पर इमरजेंसी मेडिकल सुविधा, अगर किसी भी प्रकार का किसी को दिक्कत होता है श्रद्धालुओं को और पूजा करने वाला चाहे किसी व्यक्ति को कुछ होता है इस मंदिर या मेला जो भी है यहाँ मंदिर के परिसर में, तो तत्काल इमरजेंसी सेवा का सुविधा है। एम्बुलेंस लगी हुई है और प्रशासन भी तैनात है किया गया है। तो देख सकते हैं कितना सुविधा है, कितना आसान है कि लोगों के जितना हो अच्छा से पूजा कर सके, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। देख सकते पहले जो था कि मंदिर के सामने काफ़ी दुकान लगा रहता था, भीड़ होती थी, यात्रियों को बहुत दिक्कत होता था, लेकिन गवर्नमेंट भी पॉपुलर हुई बता रहे तो सामने से जितने भी दुकानें थे उसको हटा कर सही सुविधा किया गया ताकि पूजा करने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो सके। पानी बहुत पानी है और चुका
नहीं आता पुलिस विभाग अपने देखिए कितना अच्छा लग रहा है हम सब कर रहे हैं मनीष और विकास हथौड़ी जो हथौड़ी खत्ता हथौड़ी के रहने वाले हैं आपके बगल मेरी आवाज को सुने लगा हुआ है।